दोस्तों कैसे हो आप सब। और आज है मेरे पास यहाँ पर सैमसंग गलेक्सी S21 FE। तो आप सब लोगों ने भी भाई इसको लिया होगा सेल से ज़रूर। अगर आपने दोस्तों इसको सेल से लिया तो आपको ये पड़ा होगा अराउंड यहाँ पर 30 और 31 हज़ार के आसपास, मतलब जौन सा आपने वेरिएंट लिया है वो वाला। और आज मैं दोस्तों आपको कंप्लीट यहाँ पर हीटिंग इशू के बारे में बताऊंगा भाई, क्या इसका हीटिंग इशू रहता है और कैसी कंडीशन में ये हीट करता है। तो भाई आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि जो एक्सिनॉस वाला वेरिएंट था वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा हीट करता था, लेकिन उसके भी दोस्तों अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। क्योंकि एक तो आपको ये पहले तो आपने दिमाग में रखना भाई लिया किस लिए। अगर आपने ये गेमिंग के लिए लिया है भाई गाइस, तो आपने गलत चॉइस कर ली है, क्योंकि आपको आगे अभी वीडियोज़ में पता लग जाएगा। और अगर आपने दोस्तों ये सिर्फ कैमरा पर्पस के लिए लिया है तो भाई आपकी एकदम ये राइट चॉइस है, क्योंकि इस प्राइस में दोस्तों कैमरा इससे बेहतर आपको कोई भी स्मार्टफोन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर 256 GB वाला वेरिएंट, और इसमें सबसे पहले हम हीट टेस्ट करने के लिए भाई आपको बताया गया कि अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हो नेट ऑन कर कर तो कितना डिग्री यहाँ पर आपका फ़ोन जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पर दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखा, बिल्कुल यहाँ पर 1 घंटे से ऊपर मुझे टाइम हो चुका था, तो मैंने यहाँ पर बीच में जब टेस्ट किया तो अराउंड आपको 31-32 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम यहाँ पर टेम्परेचर जाता दिखेगा। तो अगर आप नेट के साथ यहाँ पर वीडियोज़ देखते हो तो उतना ज़्यादा गर्म ये नहीं होता, ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है दोस्तों। उसके बाद अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में तो इससे भी कम मैंने नोटिस किया, ओनली 30-31 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों थोड़ा हैवी टास्क करते हैं और 4K वीडियो टेस्टिंग यहां पर कर लेते हैं। मैंने यहां पर 4K वीडियो में ये फोन लगा दिया है। अब मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर बाद। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं इस टाइम 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, ऑलमोस्ट 3 मिनट हो चुके हैं। और मैंने दोस्तों इसमें एक काम और कर रखा था कि नेट भी ऑन रखा था, वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका पर्सनल हॉटस्पॉट्स, तीनों यहाँ चीज़ें ऑन थी। तो गाइज इसमें जो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर गेन कर जाता है ये जब आप वीडियोज़ के साथ साथ अगर यहाँ पर हॉटस्पॉट ऑन रखते हो, तो ऑलमोस्ट जो मैंने मैक्सिमम देखा वो था दोस्तों 38-39 डिग्री सेल्सियस तक। तो भाई काफ़ी ज़्यादा होता है अगर आपका इतना फ़ोन चला जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी इसने लिमिट क्रॉस नहीं करी है, क्योंकि अभी ये 39 सिर्फ जो प्रोसेसर है दोस्तों इसका उस एरिया में ये 39 तक जाता है। तो जो इंक्रीज़ हुआ दोस्तों टेम्परेचर में वो था यहाँ पर 8 से 9 डिग्री का, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। उसके बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में आपके लिए, और ऐसी ऐसी वीडियोस अभी आगे भी आती रहेगी। तो जो ये हॉटस्पॉट है दोस्तों, ये मैं बता दूँ सबसे बड़ा इशू है इसके गर्म होने का, जो मैंने यहाँ पर पर्सनली फील किया है। जब भी आप हॉटस्पॉट किसी को दोगे अपने फ़ोन से, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हॉट आपका फ़ोन लगेगा भाई उस टाइम। अब देखिए दोस्तों काफ़ी मतलब 2-3 मिनट तक मैंने फ़ोन अभी नीचे रखा था, तो अभी देखते हैं इसका टेम्परेचर आ चुका है 35 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है एकदम से दोस्तों, आपका फ़ोन यहाँ पर ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार गर्म हो गया तो ये ठंडा नहीं होता है, धीरे धीरे आपका ये फ़ोन ठंडा होने लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में आता है उस टाइम हम इसमें स्टार्ट कर देंगे अभी पबजी का टेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम लोग दोस्तों यहाँ पर पबजी भी खेलने वाले होते हैं। तो अब हम यहाँ पर पबजी टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि भाई पबजी टेस्ट में ये कितना ज़्यादा यहाँ पर हीट होता है। तो अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने इसमें पबजी पहले स्टार्ट करी तो इसका जो टेम्परेचर था वो था 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो अभी ये 31-33 यहाँ पर कैमरे के साथ आपको इसका टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं 34 भी आपको देख नज़र आता हुआ दिखेगा। जैसे दोस्तों मैंने इसमें काफ़ी टाइम तक पबजी यहाँ पर खेली, तो आपको अपने हाथों में ही लग जाएगा दोस्तों कि हाँ भाई थोड़ा सा गर्म होने लग चुका है फ़ोन, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा आप यहाँ पर इरेंगल लगाओगे, जैसे ही आप इरेंगल के आधे मैच में मतलब 20-25 मिनट्स तक गेम खेल लोगे उस टाइम ये फ़ोन दोस्तों अपने पीक लेवल पर पहुँच जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक्सट्रीम और HD जो इसकी मैक्सिमम सेटिंग थी HDR में वहाँ पर खेला, और दोस्तों जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर था यार वो 40 डिग्री सेल्सियस इसने टच कर लिया था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों गेमिंग में आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। और जो मैंने नोटिस की एक बात कि जब हमने अभी गेम खेली उसके बाद मैंने गेम और स्टार्ट करी, उसके बाद भी खाली दोस्तों 40.1-40 डिग्री 35 फ़ोन के निचली साइड, और जहाँ दोस्तों प्रोसेसर होता है इसका वहाँ सबसे ज़्यादा ये हीट करता है। आप देख सकते हैं कैमरे के साथ ओनली 34 डिग्री, और प्रोसेसर होता है जहाँ पर वहाँ पर 39 डिग्री के आसपास ये पहुँच जाता है। तो जो स्नैपड्रैगन 888 है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हीट करता है, इस चीज़ को हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसका रिजल्ट रहा दोस्तों। रिजल्ट इसका एक्चुअली ये है कि अगर आपने ये कैमरा के लिए लिया है तो काफ़ी सही है, मल्टीमीडिया के लिए लिया है काफ़ी सही है, लेकिन अगर आपने गेमिंग के लिए लिया है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉबैक देखने को मिलेगा इसके हीटिंग के साथ।